This Lalan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। दिल्ली दंगों के एक मामले में अदालत ने फिर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने आगजनी के मामले की FIR को धर्मस्थल जलाने के दूसरे केस से मिलाने और शिकायत करने वाले को ही गिरफ्तार करने पर दिल्ली पुलिस को लताड़ा है। कोर्ट ने पुलिस की इस कार्रवाई को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि दंगों के दौरान शिव विहार इलाके में मदीना मस्जिद को जलाने के मामले में जाँच से संबंधित कुछ भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उत्तर पूर्वी जिला ACP को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। जानते हैं पूरा मामला क्या है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 1 फरवरी के आदेश के खिलाफ पुलिस की अपील पर सुनवाई के दौरान ये तीखी टिप्पणी की है। निचली अदालत ने हाजी हाशिम अली की शिकायत पर मस्जिद को अपवित्र करने के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। शिकायत करने वाले ने अपना घर जलाने की भी शिकायत की थी। पुलिस ने इस शिकायत को नरेश चंद्र नाम के शख्स की शिकायत के साथ मिला दिया था। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर हाशिम अली को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह जमानत पर हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने अपने आदेश में लिखा है, हाशिम अली की घर जलाने की शिकायत और नरेश चंद्र की शिकायत को करावल नगर थाने की FIR के साथ मिलाना और उसके बाद हाशिम अली को गिरफ्तार करना हैरान करने वाला है। वह मामले में शिकायत करता है और अब खुद आरोपी बन गया है। यह कार्रवाई मूर्खतापूर्ण है। अदालत ने अगली तारीख पर SHO करावल नगर को सुनवाई में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि SHO करावल नगर अगली तारीख में मस्जिद में आगजनी के मामले में जाँच की फाइल और केस डायरी साथ लाएं। कब का है मामला? पिछले साल 25 फरवरी को कुछ दंगाई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार इलाके में बिजली कट जाने के बाद मस्जिद में घुस आए। उन्होंने 2 गैस सिलेंडरों में आग लगा दी, जिससे तेज धमाका हुआ। इससे मस्जिद और आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ। इसमें 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मस्जिद के केयर टेकर हाजी हाशिम अली ने शिव विहार के अपने घर में आगजनी और लूटपाट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले को एक दूसरे मामले के साथ मिला दिया। इसमें एक शख्स ने अपनी दुकान में आगजनी की बात कही थी। इसमें किसी को नामजद नहीं किया गया था, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज की और हाजी हाशिम अली को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा था कि फुटेज में हाशिम अली को भीड़ को भड़काते हुए साफ साफ देखा गया था। पुलिस ने उस मस्जिद में तोड़फोड़ की FIR को भी दुकान में आगजनी की FIR के साथ ही मिला दिया। इसके बाद हाशिम अली के वकील MR शमशाद ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में मस्जिद पर हुए हमले की FIR को दूसरी FIR के साथ मिलाने को गलत बताया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह सही होगा कि मस्जिद पर हमले की FIR अलग से दर्ज की जाए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।